हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात कर रहे थे। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम लोगों ने कुछ सेक्शन पढ़े थे। इनकम चार्जेबल की बात करूं तो कौन सेक्शन बता रहा है मुझे, सेक्शन 18 बता रहा है मेरा। सेक्शन 19 किसका है, सेक्शन 19 है स्पेकुलेशन बिजनेस का, स्पेकुलेशन इनकम का, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं किसके ऊपर, सेक्शन 20, हमने बताया बात की किसकी, डिडक्शन की। डिडक्शन कुछ ऐसी होंगी जो अलाउ होंगी, कुछ क्या होंगी नहीं अलाउ होंगी। जो मुझे अलाउ नहीं है वो कौन सा सेक्शन है, हमारे पास सेक्शन 21 है। जो अलाउ है मुझे, अलाउ दो टाइप के अलाउ है, एक जनरल डिस्कशन वो डिडक्शन बता रही है मुझे, और एक स्पेशल बता रही। वैसे दोनों एक ही है, एक काउंट करो, लेकिन जनरल डिडक्शन मतलब बी पॉइंट सेक्शन नंबर 20 ने बता दिया मुझे, सही है। लेकिन वैसे बात करूं मैं कि अलग से वो सेक्शन कौन सा बताया उन्होंने जनरल स्पेशल डिडक्शन का, वो है हमारे पास कुछ चीजें कि यार ये चीजें माइनस कर सकते हो इन तरीकों से। डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल प्री कमिशन एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर और एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी और प्रॉफिट ऑन डेट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट एंड बैड डेट। डेप्रिसिएशन हमने नहीं पढ़ा अभी तक, और ये पढ़ लिया थोड़ा सा हम लोगों ने पहले, लेकिन हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं अभी। अच्छा इंटेंजिबल पढ़ा हम लोगों ने, इंटेंजिबल कौन सेक्शन है, और सेक्शन 24 है। इसने क्या बताया मुझे सेक्शन 24 ने, कि आपके पास क्या दी होगी, आपको कॉस्ट दी हुई होगी, या तो क्या दी हुई होगी, डिवाइड किससे करना होगा उसको, नंबर यूजफुल लाइफ से। कॉस्ट में क्या, कॉस्ट में दो चीजें होंगी, अगर कोई इनिशियल कॉस्ट है, पहली दफा कॉस्ट बना रहे हो मतलब को, या तो आपने एक्वायर किया होगा, या तो आपने उसको क्रिएटिंग किया, खुद से बनाया आपने उसको, वो कॉस्ट बन जाएगी। या अगर सबसिक्वेंट कॉस्ट लग रही लेकिन बाद में बन गया, अपने अमोर्टाइज कर लो, वो कैपिटलाइज कर लिया, अब अगर बाद में कोई खर्चा कर रहे हो, या तो वो रिन्यूअल का खर्चा होगा, या तो वो मेंटेनेंस का खर्चा होगा, ठीक है। अपडेट कर रहे होगे उसको, अपग्रेड कर रहे होगे, वो खर्चे की बात कर ली हम लोगों ने। फिर नीचे वाला सेक्शन की हमने बात करी किस चीज की, इसमें दो चीज आ रही थी हमारे पास, इसमें एक कॉस्ट आ रही थी और एक नीचे क्या आ रही थी, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। कॉस्ट की बात कर ली हम लोगों ने, नंबर यूजफुल लाइफ में क्या होगा, या तो आपका अगर एसेट एक साल के अंदर अंदर है तो अमोर्टाइज करने की जरूरत, मतलब वो कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस आउट करो। आपका एसेट क्या होगा, एक साल से ऊपर का होगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसने बोला कि यार अगर लाइफ बताई भी नहीं है आपको, अगर लाइफ बताई हुई नहीं है तो क्या तो काउंट करोगे उसको आप, मोर अपना 25 साल की लाइफ काउंट करोगे। अच्छा अगर आपने इसको कॉस्ट बताई भी नहीं है तो 25 साल की लाइफ क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम लेट से उसको हमने अमाउंट निकाला मैंने, फिर हम देखेंगे यार अमाउंट जो है फुली, जब मतलब फुली बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है तो फुल ले लेंगे, या जितना बिजनेस में यूज हो रहा होगा उतना अमाउंट कर लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हम देखेंगे एसेट हमने परचेज कब करा है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, नंबर ऑफ डेज से। नॉर्मली हम किससे करते हैं, हम लोग वो मंथ से कर रहे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, यहाँ क्या करेंगे नंबर ऑफ डेज से करेंगे, कितना डेज क्या है मेरा एसेट प्रेजेंट है। फिर हम लोग आए किसके ऊपर, प्री कमिशन एक्सपेंडिचर पे। ये सेक्शन कौन सा, सेक्शन 25 है, इंटेंजिबल है, फिर प्री कमिशन है, ताकि याद रहने करने में आसानी हो जाएगी। प्री कमिशन एक्सपेंडिचर हमारे पास सेक्शन 25 है। ये मुझे क्या तालीमात दे रहा है, ये मुझे तालीमात दे रहा है कि आपका जो भी अमाउंट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हो कमिशमेंट करने से पहले बिजनेस का, कोई भी या कोई भी काम करने से पहले कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हो, क्या कहलाएगा, प्री कमिशमेंट एक्सपेंडिचर सेक्शन 25। वो बोला कि जितना भी अमाउंट आपने खर्च किया है ना उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो किसके साथ, मल्टीप्लाई करो आप 20% से, और क्या कर दो उसको, अमोर्टाइज कर दो। मीन्स ये एक्सपेंडिचर कौन सा, क्या एक्सपेंडिचर है, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्री कमिशमेंट जो था हाँ ये कैपिटल था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसको क्या कर रहे हो, अमोर्टाइज कर रहे हो, साल बाद साल आप क्या करोगे इसको कैपिटल एक्सपेंस आउट करते रहोगे ओवर द पीरियड। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की किस चीज की, वन, इसका फॉर्मूला क्या है, 1+3 का, कि एक्सपेंडिचर जितना भी आप किया हो बिजनेस से स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कर लो, वो ऐड कर ऐड लो। कर लिया। और क्या चीज ऐड करनी है, तीन चीजें, फिजिबिलिटी स्टडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, मतलब कोई भी उसका मतलब कोई मॉडल वगैरह तैयार करने के लिए आपने खर्चा करा वो, या ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटी आपने कर दी है, ठीक है, इसमें सैंपल वगैरह बना लिया कोई चीज ऐसी। तो और तीन चीजें माइनस करनी है, क्या चीज, असल में आपकी लैंड, डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल। अगर आपने इन तीनों चीजों बनाने के लिए आपने कोई तो खर्चा करा है आपने पहले, तो वो इनके सेक्शन में ही जाएंगी, ना कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं किसके ऊपर, हाँ फिर हम लोग किस पे आ गए, हमारे पास सेक्शन 26 पे आया, क्या चीज, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। साइंटिफिक रिसर्च, वो रिसर्च एक्सपेंडिचर किस चीज के ऊपर था, के वाले से कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और पाकिस्तान में इनकर्ड हुआ हुआ, या आपने पहले किसी और से कहा कंडक्ट पाकिस्तान में हुआ, लेकिन सेक्शन 26 हो गया।
फिर सेक्शन 27 पे हमारा 27 क्या है मेरा एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी। एम्प्लॉय के लिए आपने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खोला या हॉस्पिटल खोला या फिर ट्रेनिंग के लिए करवा रहे हो तो वो सेक्शन कहाँ पे आएगा हमारा सेक्शन 27 के अंदर। फिर प्रॉफिट ऑन डेट फाइनेंशियल कॉस्ट या लीज पेमेंट, प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही बिजनेस के काम के लिए आपने लोन लिया कुछ भी लिया तो क्या करोगे वो आपको अलाउ करेगा डिडक्शन अलाउ कर दिया उसने आप। लीज पेमेंट, लीज पेमेंट में क्या होती है दो चीजें आ रही होती है एक तो डेप्रिसिएशन और लीज चार्ज। भाई देखो अपना इसमें तीन चीजें होती है ना लीज पेमेंट के अंदर हमारे पास, हमारे पास इसके अंदर होता है डेप्रिसिएशन, एक होती है फाइनेंस कॉस्ट, एक होती है क्या चीज लीज पेमेंट। लीज पेमेंट के अंदर दो चीजें ऑलरेडी होती है क्या चीज फाइनेंस कॉस्ट और प्रिंसिपल। तो टैक्स वाला मुझे क्या बोलता है यार ये तुम्हें अलाउ नहीं है ये तुम्हें अलाउ है, मतलब फाइनेंस कॉस्ट भी अलाउ कर दी उसने और प्रिंसिपल भी अलाउ कर दिया। क्लियर बात में नहीं आता देन तो ये सेक्शन हमने क्या पढ़ा 28 में पढ़ा कि डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है लीज वाले बंदे को, लेसी को अलाउ नहीं है, लेसी को अलाउ नहीं है डेप्रिसिएशन, लेसी मतलब वो जो लेने वाला है। बैड डेट हमने पढ़ी कि अगर आपको 100% श्योर है कि 15 पैसे वापस कर दे नहीं करेगा तो माइनस कर लो, या वो आपने जो अपने एक्सपेंस बनाया हुआ है आप जो सेक्शन बनाना चाह रहे हो वो लास्ट ईयर में क्या बन चुकी हो इनकम बन चुकी हो, प्रीवियसली इनकम हो चुकी है पे इनकम को आपने इनकम टैक्स पे कर चुके हो आप, मिसी अप्रूवल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है ठीक है और 100% डाउट हो आपको कि और बैड डेट करनी है तो माइनस कर दी बुक में से, ये सेक्शन 29 पढ़ा ठीक है भाई। ये चीज चल रही थी ना हमारी तो अगर मैं तो इनकम टैक्स का मत थे यहाँ पे हमने इनकम टैक्स का कौन सेक्शन पढ़ लिया सेक्शन 18 पढ़ लिया हम लोगों ने इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर हमने बात करी किसकी सेक्स पे वो स्पेकुलेशन बिजनेस की नहीं ये हमने नाम पढ़ लिया खाली स्पेकुलेशन इनकम की बात करी ना स्पेकुलेशन इनकम स्पेकुलेशन बिजनेस है ये सेक्शन 19 फिर हमने बात करी सेक्शन 20 पढ़ा किसका डिडक्शन जो अलाउ की गई है मुझे, फिर हमने बात करी कि डिडक्शन नॉट अलाउ जो है वो पढ़ी हम लोगों ने, फिर हम 22 के बारे में तो कौन सेक्शन है पास डिडक्शन जो डेप्रिसिएशन का ठीक है डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन का सेक्शन है उनका डेप्रिसिएशन का चैप्टर है वहां पर, फिर 23 की चीज का था 22 इंटेंजिबल था 22 नहीं था 24 था इंटेंजिबल 24 क्या इंटेंजिबल है 24 क्या intangible asset है 25 क्या है pre-commencement है expenditure उसके बाद 26 कौन सा था मेरे पास scientific research रिसर्च एक्सपेंडिचर ठीक है एक्सपेंडिचर हो गया फिर 27 कौन सा मेरे लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी एम्प्लॉय ट्रेनिंग फैसिलिटी ये सेक्शन कौन सा हमारा सेक्शन 27 फिर सेक्शन 28 कौन सा था मेरे पास बैड डेट नहीं प्रॉफिट ऑन डेट उसके बाद क्या था फाइनेंशियल कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल कॉस्ट से चार्ज है फाइनेंशियल कॉस्ट का ठीक है और क्या है इसके अंदर लीज पेमेंट ठीक है तो फिर हम नीचे आए कि इस पे क्या पढ़ा बैड डेट का
बैड डेट, ठीक है। हम अब किस पे आ रहे हैं दोबारा से, डेप्रिसिएशन था 23, सेक्शन 23 बाकी था हमारे पास खाली। तो मैं सेक्शन 23 पर अगर मैं आऊं, सिंपल 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 खोलिए, नहीं आ रहा क्या बाबू? ठीक है भाई, हम अब किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 20 पूरा हमारे पास, सेक्शन 23 से 22 का, बस 22 है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 22 है हमारे पास। इसमें क्या आपको, आप जैसे अकाउंट एक डेप्रिसिएशन होती है दो टाइप की, डेप्रिसिएशन इसमें क्या करा है, हमारे पास दो टाइप की डेप्रिसिएशन होगी, एक होगी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एक होगी कौन सी डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स वाला जो है ना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को मानता ही नहीं है, सही। और किसको मानेगा, टैक्स डेप्रिसिएशन को मानेगा, तो बोलेगा मेरे हिसाब से आप क्या दो डेप्रिसिएशन निकालो, वो चार्ज करो मींस वो अलाउ करूंगा माइनस करना आपको, या कोई करेगा अलाउ नहीं करेगा। अगर आपको पेपर में लेट से सवाल आता है ना, कोई फॉर एग्जांपल अगर सवाल अगर दे दे आपको, तो क्या देगा आपको, लेट से आपको देगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देगा। इसने आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी हुई लेट से कोई 100 रुपीज की, और टैक्स डेप्रिसिएशन दी हुई इसने लेट से कितने की, 150। आपको नेट प्रॉफिट दे दिया कितने का, 1000 का। अब बोल रहा बेचानी है, मुझे सही वाला निकाल के बताओ, ये अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट है, अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट है ये, अकाउंटिंग का क्या है नेट प्रॉफिट, इसको किसका मांगेगा आपको, ये बोलेगा मुझे टैक्स वाला बताओ कितना आ रहा है। तो आपने क्या करोगे, 1000 रुपए के अंदर ये 1000 वो 100 रुपए ऐड करोगे माइनस करोगे, 100 रुपए तो डेप्रिसिएशन है वो तो माइनस होगा, लेकिन 150 रुपए माइनस होगा टैक्सेशन के। हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके अगर लेट से आपसे बोले कि टैक्स डेप्रिसिएशन मतलब टैक्स का अमाउंट मतलब कितना आ रहा है, टैक्स प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा, डेप्रिसिएशन तो पहले डिडक्शन होगी, तो क्या करें, ऐड हो सकता है ये भाई। देखो हमने क्या करेंगे, अर्सलान दिया, अगर लेट से कोई भी अमाउंट चल रहा होता, कोई जीपी आ रहा होता अकाउंटिंग के अंदर, लेट से फॉर एग्जांपल कोई भी 1100 रुपए, हम क्या करते नीचे आके अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या करते माइनस करते इसमें से, कितने से 100 से आ रही होती है अमाउंट, समझो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चल रहा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग में क्या हुआ होगा, तो माइनस भी होगी, कितना अमाउंट आया मेरे पास 1000 से आया होगा, तो ये कौन सा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, ये कौन सा नेट प्रॉफिट है अकाउंटिंग का, किसने मुझे दे दिया 1000 से। अब अगर लेट से देखा जाए तो ये बोल रहा है क्या, ये जो चीज है ना तुमने माइनस की है, ये मैं अलाउ नहीं करता हूँ तुम्हें, तो क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। आपने क्या करा, आपने ऐड करवाया क्या चीज, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितने से, 100 से। टैक्स वाला बोल रहा है मैं 100 को नहीं मानता, मैं किसको मानता हूँ, 150 को मानता हूँ। अब आप कौन सी माइनस करोगे, आप क्या करोगे, लेस करोगे क्या चीज, टैक्स डेप्रिसिएशन कितने से, 150 से। तो क्या आंसर आएगा आपका, 950। तो ये क्या आपके लिए टैक्स नेट प्रॉफिट, जो टैक्स वाला मानेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, ये मेरे लिए क्या हो, टैक्सेबल इनकम हो गई है। क्लियर क्लियर, ठीक है। अब टैक्स को डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होगा, इसमें आप थे मेरे साथ में कल, सही है। तो हम क्या करेंगे इसके, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि लेट से कोई बिल्डिंग अगर है ना, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को जितने भी टाइप की बिल्डिंग हो उस पर आप कितना परसेंट रेट लगाओगे, 10% का रेट लगाओगे। फिर अगर फर्नीचर, फिटिंग, प्लांट, मशीनरी, जनरल, मोटर व्हीकल या शिप्स, टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स वगैरह होंगी ना, अगर देखो फर्नीचर, फिटिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, जनरल मोटर, जनरल हो या कोई भी मोटर व्हीकल हो, शिप्स हो, टेक्निकल चीजें हो या प्रोफेशनल बुक्स हो, उस पर कितना रेट लगाना है, 15% का।
बाकी आपके पास जितने भी एयरक्राफ्ट एयर इंजन है 30%, कंप्यूटर है, एलाइड आइटम है, प्रिंटर मतलब एलाइड आइटम मतलब प्रिंटर मॉनिटर सीपीयू वगैरह आईटी रिलेटेड प्लांट मशीनरी, वो भी क्या करोगे आप 30% चार्ज करोगे। तो मीन दो चीजें किस पे हो रही है, 30 पे, एक 10 पे, बिल्डिंग 10 पे आ गई है, आपको मसला होगा इन दोनों पे। सही है। तो इसमें क्या चीज, फर्नीचर फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह, शिप्स और टेक्निकल प्रोफेशनल बुक्स। अगर शिप्स की बात करें, खाली शिप्स की बात करें, शिप्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन एयरक्राफ्ट और इंजन की बात करें वो 30%। तो इनके रेट क्या करना पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ये मे बी ये पेपर में पूछ सकता है। सही पे बिल्डिंग 10% है, फर्नीचर फिक्सचर जो है वो 15%, प्लांट मशीनरी 15%, जनरल मोटर व्हीकल 15%, शिप्स हो या टेक्निकल बुक्स वगैरह वो भी क्या है 15%। तो इसने बोला कि लेट से अगर आप कुछ चार्ज कर रहे हो तो इसने आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा आपको इनिशियल अलाउंस कुछ चीजों के ऊपर। जैसे प्लांट एंड मशीनरी जो है ये बोलता है क्या जानी, अगर तुमने पहली दफा पाकिस्तान में यूज कर रहे हो ना ये, तो क्या करोगे आपको पहले इनिशियल अलाउंस देगा, क्या वो माइनस करो, उसके बाद क्या करेगा आपको लेगा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। और टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन में चार्ज करेंगे किसके ऊपर, हम लोग टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम WDV के ऊपर। WDV क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, जैसे अकाउंटिंग में हम लोग, जैसे हम लोगों ने मेथड पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, SLM का स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है RBM का, नाम सुना है अपना जिया और वो क्या नाम है अपना अरसलान, आपको तो पता होगा ना। नहीं नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आ जाओ सीख लेते हैं थोड़ा सा, वरना तो बाद में हम तंग करेंगे एक दूसरे को। भाई देखो, एक होगा हमारे पास कौन सी कॉस्ट होगी, कॉस्ट नहीं होगी, एक हमारे लेट से SLM है, SLM बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें जो भी डेफिनेशन निकलेगी ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे निकलेगी, मींस कोई उसमें रद्दमल नहीं होगा। लेकिन एक होती है RBM, RBM बोले तो, RBM बोले तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ ना, ग्राफ तो आपको समझ में आ जाएगा आपको ना। हाँ, नूनू क्या है, यस सर ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाई थी, सर अहमद ने नो। हाँ जो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अगर पढ़ाई भी होगी तो। तो इसका ग्राफ क्या होता है, लेट्स से डेप्रिसिएशन का निकलेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, सीधी निकल रही होगी, मींस एक ही अमाउंट निकल रहा होगा पूरे साल का। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ डेप्रिसिएशन चेंज होती रहेगी, जैसे पहले साल उसको ज्यादा यूज करोगे, सेकंड साल कम, थर्ड कम, होते 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 बिल्कुल ये एंड पे आ जाएगी। मीन्स इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, और इसका ग्राफ कैसे बन रहा होता है, SLM का बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा होता है। जैसे कि हमने बोला कि मेरे पास एक एसेट है, कॉस्ट उसकी है लेट्स से कोई 1000 रुपये, और ये चलेगी कितने साल, लाइफ इसकी जो है लाइफ है कोई 10 साल, सही है 10 साल लाइफ है, 10% कर लो, ठीक है, दोनों चीज़ आ जाए, दोनों जगह पे काम आ जाएगा। तो मैंने क्या करूंगा, सिंपल मैंने लिया 1000 रुपये, मल्टीप्लाई कितना कर दिया, 10 कर दिया, 10% कितना निकली, 100 डेप्रिसिएशन निकली, ये ईयर वन की डेप्रिसिएशन थी। अब ईयर टू में अब चार्ज करेंगे ना हम डेप्रिसिएशन, तो भी हम किस पे करेंगे, अपनी कॉस्ट पे ही करेंगे। तो मीन्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू, तो मतलब यहाँ क्या करते हैं SLM में, हमेशा कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं कॉस्ट पे। लेकिन अगर मैं RBM की बात करूँ, RBM पे हम क्या करेंगे, हमने लिए लेट से ईयर वन की बात करी मैंने, ईयर वन में क्या होगा, सेम होगा बिल्कुल, क्या आपने 1000 रुपये रखोगे, 1000 रुपये मल्टीप्लाई क्या करा 10% पे, कितना ही आपके पास 100 आ गया। अब आप ये बोलेगा कि यार आपने 100 की चीज यूज कर ली है, अब 1000 की चीज थी, 100 आपने यूज कर दी, बची कितनी आपके सेकंड साल के स्टार्ट पे, हमने बोला यार 900 रुपये बची है, उसने बोला अब 900 का निकालो डेप्रिसिएशन, कितनी आ रही है 90, फिर बोलेगा अगर ईयर थ्री है तो 90 में 900 में से क्या निकाल दो, 90 निकाल दो, कितना बचा 810, चार्ज करोगे कितने आप 10%, कितना आ गया 81। फिर आप इसमें से मीन्स आप क्या कर रहे हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कर रहे हो। अगर मैं देखो देखा जाए तो मीन्स 1000 की चीज थी, 100 की यूज करी कितने की बची 900, फिर आपने कितने की यूज की 10% लगाया, 90 की यूज करी कितना बचा आपके पास 810। तो ये चीज निकल रही है कहलाती है WDV कहलाती है, WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू, W मतलब WDV, आप हमेशा रेट किस पे लगा रहे हो, अपनी जो बकाया वैल्यू बची उस पे रेट लगा रहे हो। तो टैक्स के अंदर किस पे अलाउ करेगा आपको, WDV पे रिकॉर्ड कर, आपको क्या करता है अलाउ करता है कि WDV पे आप क्या लगाओ, रेट लगाओ।
इतनी बात क्लियर आ रही है मेरी? थोड़ी बहुत समझ में आई? अस्सलाम। जल्दी 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 रिप्लाई भाई। क्लियर क्लियर नहीं अस्सलाम, मेरे वाइफ फोन कर लो, क्या क्लियर नहीं हुआ? अस्सलाम देख रहे हो क्लियर? यार ये डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत ज्यादा। अब डिस्टॉर्शन बोलना, डिस्टॉर्शन समझाओ। डन 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 चुपा। ये WDV क्लियर हो गई कि WDV क्या करेगा? चार्ज करेगा, आपसे चार्ज करवाएगा नहीं है, आपको निकाल के दे देगा, बोलेगा बताओ नया नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, WDV चार्ज करेगा। और जिस साल ये परचेज करोगे ना, उस साल पूरे साल के ऊपर लगेगी, भले आपने फर्स्ट जून को ही क्यों ना खरीदा, आप पूरे साल पे क्या दोगे? डेप्रिसिएशन दोगे। लेकिन जिस साल आप बेचोगे, अगर आपने फर्स्ट जून को ही क्यों ना बेचा हो, आप उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, मीन्स अगर मैं इसको शॉर्ट लिखूं, मैं शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? इन ईयर परचेज फुली डेप्रिसिएशन और इन ईयर डिस्पोजल, जिस साल डिस्पोजल करोगे क्या करोगे उस पर? नो डेप्रिसिएशन। ठीक है भैया, इतना यहाँ तक हमने डेफिनेट टॉपिक समझो, यहाँ तक रखो बस, इस आगे नहीं लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज थी, क्या चीज थी वो? दो 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 नहीं पढ़ा अभी तक। ये चलो वो पढ़ने के बाद दोबारा पॉइंट कवर है, फिर भाई जो भी डेफिनेशन निकाल रहे हो आप टैक्स की, वो आपके क्या होगा, आपके कॉस्ट से ऊपर नहीं आनी चाहिए। डेफिनेशन निकाल लो, कॉस्ट से ऊपर तो वैसे भी नहीं है, कॉस्ट से ऊपर वैसे भी नहीं आएगी। सही है, फिर लिखा नंबर 13 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। इसने बोला कि जो आपने आ कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉट पेइंग फॉर हायर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सी होती है? ऊपर नहीं होगी। मीन जो आप डेप्रिशिएट करने के लिए लेके आ रहे हो एसेट, उसकी कॉस्ट 2.5 मिलियन से ऊपर ना हो। अगर ऊपर है भी ना, तो वो आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। इस सिंपल वर्डों में उसने ये बोल दिया कि आपकी कॉस्ट जितनी भी हो वो आपका मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। आपने मतलब कितने की परचेज की हो? हमने कहा ठीक है भाई, तो करना क्या है इसमें, हम इसमें करते ही हैं कि अच्छा, इसने बोला कि अगर लेट से आपने 1 जुलाई 2022 के बाद, अगर 2021 के बाद आपने परचेज की ना, अगर 1 जुलाई 2022 था ना, 20 था, टैक्स ईयर की बात कर रहा था मैं। इसने पहले पॉइंट बोला हुआ है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन द डिस्पोजल ऑफ द ईयर नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। क्लियर है यहां तक बात? कि जब हमने ऊपर चार्ट बना लिया,
ए लिखा हुआ इफ द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन द WDV द एडिशनल अमाउंट शैल बी चार्ज टू द टैक्स। अगर लेट से आप बेच रहे हो, उसने बोला अगर आप बेचते हो कोई एसेट, अगर आपने उसकी WDV देखी है, WDV कितनी आ रही है, WDV आ रही है लेट से कोई 100 रुपीज की, और आपको जो वो सेल प्रोसीड मिल रही है वो मिल रही है लेट से कोई 110 रुपए, तो जो आपको इजाफी अमाउंट जो मिल रहा है आपको कहाँ जाएगा वो 10 रुपए, वो क्या बन जाएगा, गेन बन जाएगा जो कहाँ चार्ज कर दोगे आप, मैं चार्जेबल टू टैक्स से। अगर लेट से आपकी चीज 100 रुपए की है, आपको मिल रहे हैं कितने रुपए, 80 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या सेल प्रोसीड कितनी मिल रही है आपको, 80 रुपए मिल रही है, तो जो बकाया आपको 20 रुपए कम मिल रहे हैं वो कहाँ जाने चाहिए, लॉस हो रहा है आपको ये 20 रुपए का, तो कहाँ जाएगा ये, आपको डिडक्ट करना अलाउ है, आपको ये डिडक्ट करना क्या अलाउ है, इससे ये बात करिएगा लेट से आपको जो ऊपर पैसा मिल रहा है एडिशनल अमाउंट शैल बी चार्ज टू टैक्स, और द इफ द कंसेशन इज लेस देन WDV, अगर लेस देन WDV अगर है, WDV से कम है तो डिफरेंस शैल बी अलाउडेड एज अ डिडक्शन। फिर लिखा हुआ इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन द पर्सन बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर कमेंसमेंट ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2020 द डेप्रिसिएशन डिडक्शन इक्वल टू 50% ऑफ द रेट शैल बी अलाउडेड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अगर 1 जुलाई 2020 के बाद क्या करिए आपने कमेंस एसेट लिया यूज कर रहे हो, द डेप्रिसिएशन डिडक्शन इक्वल टू 50% ऑफ द शेल रेट अलाउडेड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल आप बेचोगे उस साल क्या करोगे उसको 50% क्या करोगे, डेप्रिशिएट करोगे, ठीक है डेप्रिशिएट कर लेंगे इसके बाद पे। मधुर पॉइंट पढ़ते ना इसलिए समझ नहीं आती चीज। ये क्या हो गया, सेक्शन 5 के बाद 8 आ गया, जिस साल आपने क्या परचेज करी, तो आप अगर उस साल डिस्पोजल कर रहे हो उस सालों के अंदर, अगर 1 जुलाई 2020 की बात कर रहे हो अगर आप, तो 50% क्या करोगे, चार्ज करोगे। 3 मिलियन किसने कितने की बेची, 3 मिलियन की बेची किसने अंदर 2022 के अंदर, इस साल हम क्या कर रहे होंगे आधा चार्ज कर रहे होंगे, और लास्ट ईयर भी क्या करेंगे आधा चार्ज करेंगे, और द परचेज द व्हीकल वाज परचेज, और इससे पहले 2020 से पहले अगर लियो ना 1 जुलाई 2020 से पहले, तो आप क्या करोगे पूरे साल की जब परचेज करोगे तो पूरे साल की एडेप्शन चार्ज करोगे, और जिस साल बेचोगे उस दिन 1 रुपए की एडेप्शन चार्ज नहीं करोगे, पक्की बात है। हमने कहा ठीक है। फिर द व्हीकल वाज परचेज इन द ईयर 2021 द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, अच्छा द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज 2.8 मिलियन, और परचेज कब की थी इसने, वो टैक्स ईयर 2021 में की थी। टैक्स ईयर 2021 का मतलब क्या है, किसने परचेज की होगी 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक, तो इसलिए क्या बनाइए टैक्स ईयर 2021 बना, तो इसने बोल दिया कि टैक्स ईयर 2021 अगर 20 के बाद आपने परचेज किया ना 50% चार्ज करोगे, ठीक है भाई, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल आप डिस्पोजल कर टैक्स 22 में कर रहे हो आप, तो क्या करना है आपको 50% माइनस करना है, और कॉस्ट उसने कितनी बोल दी, कितने की परचेज करी इसने व्हीकल 28 की कर दी ना इसने, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यार हम इसको कॉस्ट को 2.8 मिलियन नहीं मानेंगे, हम इसको कितनी मानेंगे, हमारे लिए कॉस्ट कितनी है, ये हमारे लिए कॉस्ट है ये 2.5 मिलियन, हम नहीं लेके जा रहे हो, ठीक है 2.5 मिलियन मेरे लिए कॉस्ट है, और अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, मैं डेप्रिसिएशन कौन से साल की माइनस कर रहा हूं, मैं टैक्स ईयर 2021 के लिए माइनस कर रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं, हमने क्या करा, हमने 2.5 मिलियन लिया, 2.5 मिलियन का रेट लगाया कितना मैंने 15% का,
और कितना माइनस कर दिए 50%, ये 50% रेट लगाना, तो कितनी अमाउंट आई 187,500। फिर मैंने माइनस किया टैक्स ईयर 2021 की WDB कितनी आ गई 2,321,000। हमने क्या करा, हमने टैक्स ईयर 2021 की माइनस करी, किसे 2.5 मिलियन निकाला, मल्टीप्लाई किससे किया मैंने 15% रेट से, क्योंकि क्या चीज थी मेरे पास, ये व्हीकल थी, व्हीकल का रेट कितना 15% था, जो भी डेप्रिसिएशन आएगी उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 50% से कर देंगे, तो अमाउंट कितना आया 187,500 हमने माइनस किया, तो टैक्स ईयर 2021 की WDB कितनी आ गई है बस 2,312.500। अब अगर टैक्स ईयर 2000 में किसकी निकालूं, टैक्स ईयर 2022 में बेच रहा हूं मैं, जिस साल बेचूंगा उसमें कितना चार्ज करूंगा 15%, तो अमाउंट कितना है 2,312,500 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट 15% मल्टीप्लाई बाय 50%, कितना अमाउंट आया मेरे पास 173,438। तो डेप